हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टीचिंग एकेडमी। चलिए हम बात करेंगे मिक्स बैग के बारे में, और आज हम सॉल्व करेंगे मिक्स बैग को। जैसा कि अभी चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के एक्सरसाइज पे हैं हम, और ये क्लास 6 न्यू मैथ्स टाइम के चैप्टर 8 की बात हो रही है। ये देखते हैं कि मिक्स बैग में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डिवाइड द फॉलोइंग इन द गिवन रेशियोज। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जब किसी चीज को डिवाइड करना होता है रेशियोज के हिसाब से, तो सबसे पहले आपको सम ऑफ रेशियोज निकाल लेना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियोज अगर आप निकालते हैं तो ये आपका आएगा 8 प्लस 7। 7 प्लस 8 लिखना था मुझे, कोई बात नहीं, 15। अब क्या करना है कि अब आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1 यूनिट रेशियो की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल फिगर दिया हुआ होता है उसे हम सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, और ये रुपीज में दिया हुआ है तो जो आंसर आएगा वो भी रुपीज में आएगा। 15 × 5 = 75 होता है, तो ये आपका 50 रुपीज आ गया। अब इसको अलग अलग 7 और 8 रेशियो में डिवाइड करना है, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 50 यानी कि 350, और 8 यूनिट का मतलब क्या हो गया, यानी कि 8 रेशियो का मतलब क्या हो गया, 8 × 50 That is ₹400। तो ये आपका ₹300 है, ठीक है, और ये आपका ₹400, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1250 यानी कि 1250 केजी को रेशियो 11:14 में आपको डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो फिर से हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ रेशियो निकालेंगे, तो सम ऑफ रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये आपका बनेगा 11 + 14, और इसका वैल्यू आएगा 25, ठीक है। इसके बाद आपको 1 यूनिट रेशियो की वैल्यू पता करनी चाहिए। तो 1 यूनिट रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो 1 यूनिट रेशियो जो होगा वो अमाउंट जो दिया हुआ है 1250 kg, इसे आप क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे। और अब अगर इसे आप 25 से डिवाइड करोगे तो 25 के टेबल्स में 40 टाइम्स में 1000 आ जाता है, और 10 टाइम्स में हमारा, तो ऐसे चलो कर लेते हैं, 25 × 5 कितना होगा बताओ, 25 × 5 = 125, और ये जीरो रह गया तो जीरो को हम यहाँ डालेंगे, यानी कि ये हमारा 50 आएगा। तो 50 kg इसका आंसर आ गया 1 यूनिट का। अब आपको क्या करना है, 11 यूनिट का पता करना है। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 11:14 दिया हुआ है, तो 11 यूनिट रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपका 11 × 50 kg। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 550 kg आएगा। इसके बाद आप 14 यूनिट का रेशियो अगर आप निकालेंगे, 14 यूनिट रेशियो, और इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 14 × 50 kg आएगा, और 14 × 5 कितना होता है, 70, तो ये हो जाएगा हमारा 700 kg। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंपेयर 3:5 एंड 2:3। देखिए जब आपको ऐसे रेशियो को कंपेयर करना होता है तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। और जिस साइड्स का, मान लिया दो साइड हमारे पास है, LHS एंड RHS, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे LHS में रेशियो दिया हुआ है 3/5, इस वाले को मैं LHS बोलूंगा, इसको मैं RHS बोलता हूँ, और यहाँ पे दिया हुआ है 2/3। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में ऐसे इक्वल टू का साइन दे दीजिएगा, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे आएगा 3 × 3 एंड 2 × 5, तो ये क्या आ गया 9, और यहाँ पे क्या आ गया 10। तो जो 9 आया, यहाँ पे आप प्रोपोर्शन का साइन दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो 9 जो है वो 10 से लेस देन है, इसका मतलब हो गया कि 3/5 जो है लेस देन है 2/3 से। क्लियर हो गया।
आइए मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ और फिर इस पे काम करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे दिया हुआ है 2:7, ठीक है, एंड 1:5। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 2/7 एंड 1/5। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 × 1 एंड 7 × 5, तो ये हो गया 2 and 35। तो 2 जो है वो लेस देन है 35 से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2/7 जो है वो लेस देन होगा 1/5 से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइए, यहाँ पे कह रहा है 15:16 एंड 24:25। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 15/16 हो जाएगा यहाँ पे एंड 24/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 15 × 25 एंड 24 × 16। 15 से 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15×5 = 75 होता है, 32 + 30, 30 + 7 = 375 आ जाएगा। और 16 से 24 को मल्टीप्लाई कीजिए, 16×4 = 64 होता है, हाथ में 6 रह जाएगा, 16×2 = 32 + 6 = 38, यानी कि 384 आ गया। तो 375 384 से छोटा है, इसलिए 15/16 छोटा हो जाएगा 24/25 से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है आपका, 9:20 and 8:30। तो ये हमारा हो जाएगा 9/20 and 8/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 13 and 8 × 20, 13 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 117, और 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 160, यानी कि 170 छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा 9/20 is less than 8/30। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, आप मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि चेक इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शंस को चेक करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रोपोर्शंस का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोपोर्शंस का फॉर्मूला होता है a×d = b×c, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चंस को देखता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है 8:10, 16:20, ये दोनों इनर टर्म हो गए और ये हमारा आउटर टर्म हो गया। तो आउटर टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर ये इक्वल टू होगा इनर टर्म से, अगर ये इक्वल टू होगा तो ये हमारा 16 आ गया, इनर टर्म भी 16 आ गया, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि यस इन प्रोपोर्शन, आप यहाँ पे कहेंगे कि यस ये हमारा प्रोपोर्शन में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 42, 42, 54, 63, 81। अब अगर मैं इसको इसी फॉर्मूला पे लेके चलूंगा तो ये हमारा इनर टर्म है और ये हमारा आउटर टर्म है, तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा 42 × 81। अगर ये इक्वल टू हो जाएगा 54 × 63 से, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा कैलकुलेशन मतलब दिस आर इन प्रोपोर्शन। तो 42 को 81 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 42 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, 4, 8 × 16, 8 × 32 and 133, ऐड करते हैं 2, 10, 4, क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ हमें मिला यहाँ पे 3402। चलिए 54 को 63 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 54 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 12, 5 × 15 and 1 = 16, 6 × 24, 6 × 5 = 30 + 2, 32,
24, ठीक है, कैरी 2 आ गया था, और 6 वाज 30 प्लस 2 32, ऐड करते हैं 2, 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 1 3 1 4 3, तो यहां भी आपको आ रहा है 3402। इसका मतलब क्या हो गया कि यस इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शंस, तो ये प्रोपोर्शन में है। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 20 रेश कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50। तो फिर से हम इनर आउटर टर्म को यानी कि 20 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं और 30 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 होगा, और 30 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 होगा, और ये इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नॉट इन प्रोपोर्शन। इसे हम क्या कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे प्रोपोर्शन दिया हुआ है 3:3,21 14,49, तो आइए पहले फॉर्मूला के बेस पे इनर टर्म को और आउटर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 49 = 21 × 14, 3 × 49 9 × 3 = 27, 4 × 3 = 12, 9 × 3 = 27 कैरी द 2, 4 × 3 = 12 प्लस 2 14, तो दिस इज द 147। नाउ 14 × 21, 14 × 1 = 14 कैरी, 14 × 1 = 14 कैरी 1, एंड 14 × 2 = 28 प्लस 1 29, तो दे बोथ आर नॉट इक्वल, इट मींस दिस आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्लियर है ये? तो नाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट कि अगर प्रोपोर्शंस आपको चेक करने के लिए कहे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जहां पे आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा जो प्रोपोर्शंस का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को हम डिराइव्ड करेंगे। तो a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी होता है। अगर आपको a निकालना होगा तो b मल्टीप्लाई सी को d से डिवाइड कीजिए, अगर आपको d निकालना होगा तो b मल्टीप्लाई सी को a से डिवाइड कीजिए, अगर आपको b निकालना है तो a मल्टीप्लाई डी को c से डिवाइड कीजिए, और अगर आपको c निकालना है तो a मल्टीप्लाई डी को b से डिवाइड कीजिए। ये इक्वेशंस हैं जो यहीं से डिराइव्ड हुए हैं, उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चंस में अगर ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है x proportion 20, x ratio 24, proportion 30 ratio 16। तो x हमारा आउटर टर्म यानी कि a है, तो x equal to formula के हिसाब से क्या होगा, product of inner term divided by one outer term, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। 4 के टेबल्स में 4 × 4 = 16 होता है, and 4 × 6 = 24। 4 के टेबल में ही देखते हैं, 2 के टेबल में देख लेते हैं, 2 × 2 = 4 होगा, एंड 2 × 15 =, और फिर 2 से हम देखते हैं 2 × 1 = 2, एंड 2 × 3 = तो हमारे पास क्या मिला, 3 × 15, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 45। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18:16 प्रोपोर्शन x रेशियो 96, यानी कि यहाँ पे आउटर टर्म जो है वो c है, और c के लिए फॉर्मूला कहता है कि a मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय b, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 18 × 96 डिवाइडेड बाय 16। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे अगर सॉल्व करें तो 16 × 6 = 96 होता है, तो 16 × 1 और 16 × 6, तो 18 × 6, और 18 × 6 कितना होता है ये आप बताइए हमें। यस कैरी ऑन, इट्स अ 108, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ 146 डेज टू वन नॉन लीप ईयर, यानी कि आपको रेशियो पता करना है 146 डेज एंड वन नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ डेज 65 डेज होते हैं, तो इनके बीच का आपको रेशियो पता करना है। तो अगर इनका रेशियो निकालना होगा तो हमें लिखना होगा 146 अपॉन 365। अब इसे हम डिवाइड करके देखते हैं तो ये किस टेबल से डिवाइड होगा, आप इसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से तो डिवाइड होगा नहीं और ये 5 से डिवाइड 21। यही ना, इसका आंसर इतना ही रखते हैं, इसका डिविजन देखते हैं हो पाएगा या नहीं। 73 नॉन लीप ईयर, लीप ईयर हमारा 366 डेज का होता है, नॉन लीप ईयर 365 डेज का ही होता है। ये देखिए 73, तो 73 से डिवाइड हो सकता है क्या? 3573 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, सबसे पहले यस 73 से डिवाइड हो जाएगा। ये आइए आइए इसको 73 से डिवाइड करते हैं, तो 73 टू जा 146 आएगा एंड 73 5 जा 1365 आएगा, जैसा भी मैंने दिखाया है। 35 जा 15, 75 जा 35 136 एंड 3 टू जा 6 एंड 72 जा 14। तो ये क्या निकल के आया, 2/5, दैट इज 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखेंगे, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स देयर आर 20 बॉयज, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और बॉयज कितने हैं, 20। सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स आपको पता करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं क्लास में, तो वो हो जाएगा 50 माइनस 20, यानी कि 30 गर्ल्स हैं। अब आपको रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो बताना है। आपको आपको रेशियो निकालना है किसका, बॉयज एंड गर्ल्स का। तो बॉयज हमारे पास कितने थे, बॉयज हमारे पास 20 हैं और गर्ल्स कितने हैं, 30। तो रेशियो क्या बनेगा, 2/3, दैट इज 2:3। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ अमित एज एंड हिज सिस्टर एज इज 5:4, इफ अमित इज 45 इयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज हिज सिस्टर। तो अमित और उसकी सिस्टर के एज का रेशियो 5:4 दिया हुआ है और अमित का एज हमें पता है, तो हम इसे प्रोपोर्शन में भी रख सकते हैं। मान लीजिए ये अमित है और ये अमित की सिस्टर है, तो अमित का 2 एज हमारे पास आएगा, ये अमित का 2 हो गया, ये सिस्टर का 2 हो गया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 5:4 प्रोपोर्शन 45:x। अब x पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनर टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, 4 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो 5 की टेबल से 5 9 जा 45 होता है और 4 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 36। तो इसका मतलब अमित की सिस्टर का एज 36 ईयर्स है। इस क्वेश्चंस को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2 भी इसका है, जहां पे आपको क्या करना है, सम ऑफ रेशियो निकालना है।
तो सम ऑफ रेशियो जब आप निकालेंगे तो ये आपका आएगा 5 प्लस 4 यानी कि 9। उसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 45 जो एज दिया हुआ है उसको 9 से डिवाइड कीजिए, ये क्या आएगा, ये आ गया हमारा, नहीं दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, सॉरी दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा ये। चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, एक बार क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। यस, टू नंबर्स आर इन अ रेशियो 2:7, इफ देयर सम इज 99 फाइंड द नंबर्स। इस क्वेश्चन को अभी हम पुराने वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, जो मेथड मैं अभी आपको बता रहा था, जहां पे आपको फाइंड द नंबर्स, देयर सम इज 90, मतलब टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:7, तो उसका सम जो है वो 99 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ रेशियो निकालिएगा। सम ऑफ रेशियो जब आप निकालेंगे तो ये 2 प्लस 7, दिस इज 9। उसके बाद आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 99/9, दैट इज 11। उसके बाद आप नंबर्स पता कर सकते हैं कि 2 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 22, और 7 यूनिट का यानी कि 7 रेशियो का क्या मतलब हो गया, 7 मल्टीप्लाई 11, दैट इज 77। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इफ दे आर इन द रेशियो 2:5:8। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब इनका रेशियो दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सम ऑफ रेशियो निकालना है। सम ऑफ रेशियो निकालिए, सम ऑफ रेशियो अगर आप करेंगे तो 2 प्लस 5 प्लस 8 आएगा और ये हमारा 15 होता है। इसके बाद आप 1 यूनिट रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो 180 डिग्री को अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 यूनिट रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी और वो हमारा होगा 12 डिग्री। अब आप एंगल्स पता कर सकते हैं, तो एंगल्स पता करने के लिए जो एंगल सबसे लोएस्ट एंगल है 2, तो फर्स्ट एंगल, मतलब इसको मैं फर्स्ट एंगल बोलता हूँ, वो क्या होगा, 2 यूनिट है, इसका मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 12 डिग्री यानी कि 24 डिग्री। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो हमारा 5 यूनिट्स है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। उसके बाद आपका थर्ड एंगल जो हो जाएगा, जो कि आपका 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 12 डिग्री यानी कि 96 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप जोड़ के भी देख लीजिए, इसका सम 180 डिग्री होगा, 96 प्लस 24 अगर करेंगे तो 120 प्लस 60 180। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे। A recipe uses butter and sugar of ratio this, how many cups of sugar should be used for 12 cups of butter? तो यहाँ इसे हम proportion में लिखेंगे इस questions को, इस questions को हम proportion में लिख देते हैं कि इसने butter and sugar का ratio क्या बताया, 2:3 proportion होगा, कहता है how many cups of sugar should be used for 12 cups of butter। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने बटर और शुगर यानी कि 2 बटर का रेशियो है, तो शुगर हमें नहीं पता है, तो पहले हम बटर लिखेंगे यहाँ पे 12:x। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x = 3 × 12/2, 2 × 2, 2 × 6 = 12, तो ये 3 × 6 यानी कि 18 कप्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को आइए सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अनुष्का earns 1500 in 10 days, how much will she earn in 30 days? तो 10 डेज में उसने 1500 रन किया, तो हम यूनिटरी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। 10 डेज इज इक्वल टू रुपीज
1500 अर्निंग, कितना अर्निंग हुआ रुपीज 1500। तो अगर वन डे होता तो उसकी अर्निंग कितनी होगी, 1500 अपॉन 10 यानी कि 150 रुपीज की अर्निंग होती। और अगर 30 डेज की बात करें तो 30 डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 150 मल्टीप्लाई 30, तो जब 150 को आपको 30 से मल्टीप्लाई करोगे 50 या 45, ये 4500 रुपीज 4500। लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, जिस क्वेश्चंस में आपसे रन रेट पूछा जा रहा है कि एंड्रू मेड 42 रन इन 6 ओवर एंड आर्थर मेड 63 रन इन 7 ओवर, हुज रन रेट वाज बेटर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ खास मेहनत नहीं करना होगा, आपको सबसे रन रेट निकालना होगा। तो अगर हम रन रेट की बात करें, एंड्रू की रन रेट की बात करें, तो वो 42 अपॉन 6 है यानी कि 7 रन पर ओवर। ठीक है, ये किसका रन रेट था, ये एंड्रयू का रन रेट। अगर मैं उसी जगह पे आर्थर के रन रेट की बात करूं, आर्थर का रन रेट चेक करूं, तो आर्थर का जो रन रेट होगा वो 63 अपॉन 7 होगा यानी कि 9 रन पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट की बात करें, रन रेट की बात करें, तो किसका रन रेट बेटर है, तो आर्थर रन रेट इज बेटर देन एंड्रयू। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस बीच वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।